मध्य प्रदेश के रतलाम में पिछले 6 महीनों से जिले में विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि से लोग परेशान हैं। इस महंगाई में बढ़े बिजली के बिलों ने लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी है, जिससे इलाके का गरीब तबका खासा परेशान है। बिल जमा नहीं होने के चलते विद्युत विभाग उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट रहा है। विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में पूरे गांवों एवं मंजरों की एक साथ विद्युत काट दी जा रही है। लोगों का कहना है कि विद्युत कनेक्शनों को काटना आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। आम नागरिकों द्वारा वर्तमान में लॉकडाउन के बाद अपने रोजगार चालू हो पाए हैं, ऐसे में इन लोगों द्वारा इतने ज्यादा राशि वाले विद्युत बिलों को भरा जाना मुमकिन नहीं है। इंदिरा गृह ज्योति योजना अंतर्गत 100 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को 100 रुपए प्रतिमाह विद्युत बिलों को भरा जाना था, जो वर्तमान में शासन द्वारा बंद कर दी गई है, जिसमें आम नागरिकों को आर्थिक रूप से बड़ा असर हुआ है। आज जो बिजली के बिलों की समस्या है, जो माननीय कमलनाथ जी ने जो बिजली गरीबों के लिए जो बिजली के मुफ्त 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी, आज गरीब लोगों को बहुत ही बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वसूली यहाँ MPP द्वारा कर दे रही है, उसके खिलाफ हमारा जिला कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।